पैसा वसूल ट्रिप ज्यादा फिसल रहे ये। हेलो गाइस, व्हाट्स अप, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। तो यार कुफरी पहुंच गया हूं और कुफरी में काफी सारी देखने को आ रहा है कि काफी सारी एक्टिविटीज हो रही है स्नो रिलेटेड यहां पे। तो फिर इसी बात पे चलिए जी व्लॉग शुरू करते हैं। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मेरे हसीन गेमिंग के स्किल्स के बारे में बताना चाहता हूं। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं एक अच्छा गेमर भी हूं और साथ ही मुझे आ गया है पैसा कमाना ₹50 लाख। जी हाँ, आपने सही सुना। तो पता है कैसे? तो डाउनलोड करो प्लेयर स्पॉट ऐप, यहाँ पे 15+ गेम्स मिलेगा जैसे कि कैरम, कॉल ब्रेक, चेन रिएक्शन, स्टैकी बर्ड्स, लूडो, स्नेक एंड लैडर्स, फ्रूट स्लाइस एक्सेट्रा। आप रमी गेम में सिर्फ 1 पैसे से टेबल ज्वाइन करके डेली जीत सकते हो। तो प्लेयर स्पॉट पे रमी खेलने के बहुत सारे फायदे हैं। तो ये 100% सिक्योर मेड इन इंडिया ऐप है, 7 million+ यूजर्स भी हैं और इजी विड्रॉल है। तो हम जैसे खिलाड़ियों के लिए रोज नए ऑफर आते रहते हैं और हम मौके का फायदा उठा सकते हैं। और मेरा रेफरल कोड PLAYS200 यूज करो और पाओ ₹200 का साइन अप बोनस, जिससे आप और गेम्स खेल सकते हो जैसे कि शीप फाइट, एंट मैन, चेस, हाउजी, क्विज एक्सेट्रा। प्ले स्पॉट पे उनके रेफर एंड अर्न प्रोग्राम से अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट करो और उनके गेम्स खेलने पे आपकी 2% विनिंग। तो गाइज इससे पहले कि आपकी ₹50 लाख की विनिंग कोई और बाजी मार ले, जाओ डाउनलोड करो प्ले स्पॉट ऐप और मिलते हैं रमी के टेबल पे। थैंक यू। मशहूरा की राइड के बाद जो मेरी जूतों का हाल खराब हुआ है ना, क्योंकि मेरे को पता है आज फिर से ये ले होने वाले हैं। सोल इनका बहुत सही है। तो अगर आप इस तरह का शूज पहनोगे, ये देखो रेड चीफ का है इस तरह का, तो काफी हेल्प मिलेगी आपको बर्फ में चलने में। देख रहे हो इसके अंदर स्पाइक्स। हेलो जी, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल जी, कैसे हैं सारी? ये देख लो सामने कुफरी। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूँ और कुफरी में देखने में आ रहा है कि कुफरी में काफ़ी ज़्यादा स्नो है। ऑब्वियसली थोड़ा हाइट पे है तो मशोबरा से भी ज़्यादा स्नो होती है। तो हमने मशोबरा में इतनी स्नो देखी थी, आई एम श्योर आज भी आपको बहुत सारी स्नो दिखेगी। मैं बेसिकली आज देख रहा हूँ कि टूरिस्ट यहाँ क्या कर रहा है और क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। बने रहिएगा मेरे साथ, ट्रैफिक लग गया थोड़ा। What's up guys? Finally I'm at कुफरी, और कुफरी में तो भाई साहब दूसरा ही हो रहा है कुछ। ये देखो कुफरी में तो भाई जूता तो मैं अच्छा लाया हूँ, वैसे टिक जाएगा। ड्राइव आइए अभी, वाह वाह देख लो, आज पूरे मज़े ले लो। मैं इसीलिए आया हूँ कि आपको एक्टिविटीज़ दिखा सकूँ कुफरी में स्नो कितनी है। बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा स्नो है और आई एम श्योर यहाँ पर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहा हूँ। वो देखो ये तो ऐसा लग रहा है अभी महीना नहीं जाने वाली यहाँ से। याक पे फुल ऑन फोटोज चल रहे हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, नहीं बहुत ही ज्यादा बर्फ है भाई, बहुत ही ज्यादा। ये देख रहे हो, आज मेरा मन नहीं है बिल्कुल भीगने का, कल की मुझे बहुत ठंड लगी हुई है। क्या बात, ये देखो फुल एंजॉय कर रहा है टूरिस्ट। सर कहाँ से हैं? दिल्ली। अच्छा दिल्ली, yes. कैसा लग रहा है सर? बहुत बढ़िया, मस्त। बहुत बढ़िया लग रहा है सर। पैसा वसूल ट्रिप। तो सर दिल्ली से हैं, पूरा एंजॉय कर रहे हैं सर? बिल्कुल, पैसा वसूल हुआ ना? बिल्कुल वसूल, पूरा पैसा वसूल हुआ है सर का। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये देखो टूरिस्ट कह रहा है यहाँ आके पूरा पैसा वसूल हो गया, बर्फ इतनी है उनको बहुत मजा आ रहा है। देख लो जी रिव्यू सामने सामने। अब जरा एक बार इस साइड भी देख लेते कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ क्या क्या चल रहा है। मैं कहा एक बार यहाँ चल के भी देख लेते हैं कि यहाँ टूरिस्ट क्या कर रहा है। यहाँ पे वो टूरिस्ट जो कपड़े होते हैं ना रेंट पे मिलते हैं, जिनकी वजह से आगे कपड़े नहीं मिलते। ओ भाई साहब, ये स्नो है इनका साइज तो देखो भाई, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया बनाया हुआ है। ओ भाई साहब, वो गिर गई यार। ओ यार जूते अच्छे पहन के आना, ये क्या बात है, बहुत ही बड़ा बनाया हुआ यार है, साइज देख रहे हो। ठंड लग जाए तो आग का पूरा इंतजाम है यहाँ पे, और साथ में पूरा पूरा चल रहा है मैगी का सीन। क्या बात है, ये देखो जी यहाँ पे। और पूरा एंजॉय कर रहा है टूरिस्ट कुफरी। गाड़ियाँ छोटी भी आ रही हैं, बड़ी भी आ रही हैं, अब तो बिना 4x4 के भी आ रही हैं। मैं भी पहुँच गया, और भी गाड़ियाँ आ रही हैं, बर्फ के तो पहाड़ बने हुए हैं। ये देख रहे हो, फ्रेश बर्फ, एकदम फ्रेश बर्फ है, एकदम फ्रेश। देखो ये देखो कैसे झड़ रही है हाथ से, क्या सही लग रहे हैं पहाड़ बर्फ के, सुपर्ब, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू।
चले फिर आगे वाली साइड और देखते आगे क्या हो रहा है। फाइनली हम दोबारा कुफरी में पहुंच गए और कुफरी में काफी ज्यादा ट्रैफिक है, तो मतलब आप देख लो कि थ्रू हो गए हैं व्हीकल्स। इसका मतलब ये नहीं कि पाला नहीं है, सजेस्ट करूंगा शाम को मत आना। शाम का मतलब है 4:30-5 के बाद मत आना, बहुत ज्यादा पाला हो जाएगा, फिसलन होगी, गाड़ी फिसल सकती है आपकी अगर आपकी 4x4 नहीं है तो। और साथ में आसपास सड़कों की बर्फ देख रहे हो कितनी ज्यादा जमी हुई है, देख रहे हो आपके खेलने लायक। तो आप लोग पूछ रहे थे कब तक बर्फ रहेगी, तो 1.5 महीना यहाँ पे बर्फ रहेगी, भी टेंशन वाली सी बात नहीं है। और बहुत अच्छा लग रहा है कुफरिया के आज, क्योंकि ब्लिसफुल माहौल है यहाँ पे, टूरिस्ट फुल पावर में आया हुआ है और बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहा है। बर्फ का तो हिसाब कोई नहीं रहा है जी कुफरी में, ये देखो सड़कों के साथ में इतनी है, कितना टेम्प्टिंग लग रहा है ना व्यू। तो ये एक और पॉइंट है यहाँ पे जहाँ पे टूरिस्ट अक्सर खेलता दिखेगा आपको, कि एक होता है ना कि एक्टिविटीज़ आपको पैसे दे के, आपको पैसे खर्चने फिर एक्टिविटीज़ करनी, एक होता है कि फ्री कुफरी नहीं जाओ फिर आगे इस रोड पे आ जाओ फिर आपको फ्री में एक्टिविटीज़ करने को मिल जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे स्लाइड वगैरह, स्नोमैन, कूदना फांदना सब कुछ हो जाएगा आपका। इस जगह की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे यहाँ काफ़ी सारी स्नो होती है और अक्सर टूरिस्ट यहाँ आ जाता है। तो वही कह रहा हूँ कि अगर फ्री में एक्टिविटीज़ करनी, पैसे नहीं खर्चने और स्नो का सिर्फ फन लेना है, तो इस रोड पे सीधे आगे आ जाओ। इस रोड पे राइट हैंड साइड पे आपको आगे कहीं भी चले जाओ, बहुत ज़्यादा आगे आपको बर्फ़ दिखने वाली है और आप फुल एंजॉय कर सकते हो, जैसे वो कर रहे हैं वहाँ पे। वो देखो सामने बर्फ़ देख रहे हो आप, बेहिसाब बर्फ़ है, बंदे घूम गए अंदर बर्फ़ में। तो गाइज़, इससे पहले कि मैं आपको मेन कुफरी में एक्टिविटीज़ का धमाल दिखाऊं टूरिस्ट का, मैंने सोचा यार क्यों ना आपको एक आगे तक राउंड लगाता हूं, क्योंकि इस तरफ जब भी बर्फ़ पड़ती है ना यार, ये वाला जो एरिया है फागू की तरफ की जो बेल्ट है वो बेहद खूबसूरत हो जाती है जो आप देख रहे हैं। What a beautiful view guys, क्या नज़ारा है, नहीं फिदा हो गया उस नज़ारे पे शिमला के, मैं बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो फाइनली जब उतर गया हूँ मैं नीचे गाड़ी से और सोच रहा हूँ क्यों ना आपको कुफरी में दिखाते हैं कि ऊपर वहाँ पे ऊपर मेन कुफरी में एक्टिविटीज़ क्या हो रही है और टूरिस्ट बेसिकली कर क्या रहा है, क्योंकि मज़ा नहीं आएगा अगर सिर्फ रोड ट्रिप ही दूंगा। तो आई एम श्योर ऊपर जाऊँगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। गाड़ी मैंने यहाँ पार्क कर दिया, ये सामने जगह मिल गई मुझे, सड़क आज चलान नहीं होता है यहाँ पे, सड़क के किनारे पार्क कर सकते हो पर साइड जैसे में, वरना गाड़ियाँ गुड़ियाँ बच सकती, फिसल रही है गाड़ियाँ यहाँ पे। अब चलेंगे हम वहाँ और देखते क्या कमाल हो रही है। तो बस अब यहाँ से चलेंगे हम कुफरी की तरफ ऊपर, और यहाँ पे आपको सेलर्स दिखेंगे, ग्लव्स बेचता हुआ कोई कोई यहाँ टूरिस्ट खड़ा है, यहीं पे जिप्सी हैं जो आपको ऊपर कुफरी तक भी लेके जाती है, यहाँ से भी हायर कर सकते हो, रेंट होता है इनका कुछ। और ये चलो जी यहीं पे आपको जो है शूज, डक शूज, अगर आपके पास जूते अच्छे नहीं हैं तो यहाँ पे आपको डक शूज मिल जाएंगे। और साथ में यहाँ आगे हॉर्स राइडिंग भी हो जाती है जो आपको ऊपर कुफरी तक लेके, मैंने एक बार करी भी है, बर्फ में बड़ा मज़ा आता है हॉर्स राइडिंग करके वैसे। तो ये सामने है, तो मैंने सोचा यार सिर्फ सड़क सड़क दिखाऊंगा तो मज़ा नहीं आएगा, तो एग्जैक्टली दिखाता हूँ कि टूरिस्ट कर क्या रहा है आज। ये खड़े जी ढेरों घोड़े यहाँ पे, ये यहाँ से आप राइड ले सकते हैं। ये देखो सामने का खूबसूरत नज़ारा, क्या जाम लग गया नीचे, नहीं यहाँ लगी है मेरी गाड़ी कहीं, वो लगी है गाड़ी मेरी नीचे, वो देख रहे हो घूम घूम के हम पैदल आ गए यहाँ से। देखो ईदर वेज, या तो आप हॉर्स राइडिंग मतलब घोड़े पर रेंट पे ले लो या फिर पैदल चले जाओ ऊपर तक, मतलब डिपेंड करता है आप पे कि आपको क्या पसंद है, या पैदल चले जाओ या हॉर्स राइडिंग, ज़्यादा नहीं चला जा रहा है इन पे चलो, एक्सपीरियंस्ड होते हैं यहाँ पे, ईजिली ले जाएंगे आपको। तो यहाँ पहुँचते जी आप एक अलग दुनिया पहुँच जाते हैं, भैया बना रहे हैं मैगी और सामने बहुत सारा टूरिस्ट यहाँ पे डिसाइड कर रहा है कि उन्हें क्या करना है एक्टिविटीज़ के नाम पे। वहाँ तक आपको घोड़े 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 दिख रहे हैं बहुत सारे, और ये देखो सामने ये यहाँ पे ये चल रही है, और
यहीं से राइड लेते हैं, यहाँ से जाता है घोड़े का पाथ है, यहाँ से भी जा सकते हैं वरना आप यहाँ से सीधे रूट से भी जा सकते हैं। ये थोड़ा सा शॉर्ट पड़ता है पर थोड़ा रिस्की है। तो गाइस बस यही चल रहा है कुफरी में, आप देख लो टूरिस्ट है हॉर्स राइडिंग करता जा रहा है, ऊपर स्नो एक्टिविटीज़ हो रही होंगी, बाकी फुल एंजॉय कर रहा है क्योंकि टूरिस्ट कुफरी बर्फ़ देखने आया होगा तो बर्फ़ आई एम श्योर उसको बहुत ज़्यादा मिल रही होगी क्योंकि मेरे आसपास ही अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो बर्फ़ों के ढेरों बर्फ़ के पहाड़ लगे हुए हैं, तो बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे और काफ़ी खुश है टूरिस्ट इस बात से। अच्छी खासी एक्टिविटीज़ हो रही होंगी, स्नो राइड भी फुल ऑन एंजॉय कर रहा है, ऐसा नहीं है, मेरे को भी मज़ा आ रहा है। देखते हैं ऊपर कुफरी में, मेन ऊपर कुफरी में क्या चल रहा होगा अभी। तो अभी चलते चलते मुझे ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ यार, 15-20 मिनट ही हुए हैं, और अगर अपने दोस्त के साथ आते हो और उसको धक्का मार के इसमें फेंक दोगे ना अगर, तो वो देखो कहाँ धंस जाएगा, अंदर जाके इससे नीचे धंस जाएगा। मैं वही कह रहा हूँ कि बर्फ़ के लिए आ रहे हो तो बर्फ़ तो बेतहाशा मिलेगी आपको, अभी एक महीने कहीं नहीं जाने वाली है बर्फ़। तो ऊपर वहाँ जैसे पहुँचते हैं, देखते फिर क्या हो रहा है, एंड देन वेलकम बैक। आई होप आप इन्जॉय कर रहे हो तो यार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, sandy_shimla मेरा इंस्टा आईडी है, आप उस पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। हाथ डाला बर्फ़ में और ये तो हो गया ख़त्म। सुनो यार, मन तो मेरा कर रहा है कि मैं इस बर्फ़ में यहाँ से चढ़ जाऊँ, पर इतनी ज़्यादा अगर वहाँ से स्केटिंग मारते भी आया ना बंदा, यहाँ से ऐसे बजता नीचे जाएगा, बहुत ज़्यादा बर्फ़ है यहाँ, बहुत ज़्यादा होगी, 2-3 फुट से ऊपर होगी, अंदर भी इतनी ज़्यादा तो होगी होगी। यहाँ तो बेअंत बर्फ़ है नीचे, देखो देख रहे हो यहाँ से घोड़े आ रहे हैं, देखो ये तो उस साहब गाड़ी देख रहे हो, ऑल्टो, उस ऑल्टो का हाल देखो, दिख रही है, रुको गुम है वो बर्फ में, गुम हो गई है वो, क्या सही लग रही है। जूतों का ध्यान रखे, बार बार बोल रहा हूँ, जब इस साइड आए तो जूते अच्छे लेके आए जिनमें पानी ना जाता और फिसलते ना हो। तो ये पहुंच गई जी मेन कुफरी में, यहाँ नीचे होती हैं स्लाइड्स वगैरह, स्कीइंग वो स्लाइड्स वगैरह यहाँ होता है, नीचे जाके ग्राउंड है एक वहाँ होती है, पर यहाँ तक पहुंचना आसान नहीं है आज क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी है, पता नहीं गॉड नोज़ कैसे पहुंचूंगा मैं। और ये देखो, या तो फिर ऐसे ही है, यही वे है एक फिसल फिसल के आने का, या तो ऐसे पहुंचेंगे, ये वाला बढ़िया है, देखते हैं कैसे पहुंच सकते हैं। ये ऊपर को भी जा रहे हैं और यहाँ पे थोड़ा रिस्की हो सकता है, बट यहाँ तक पहुँच के अब मैं दिखाता हूँ आपको, राइड्स नहीं दिखाई तो मज़ा नहीं आएगा। ये है जी, यहाँ से ले जाएंगे अब हम आपको नीचे, वहाँ जहाँ सारा टूरिस्ट एक्शन कर रहा है। यहाँ तो मैं सोच रहा हूँ इतना तगड़ा एक्शन होने वाला है, इतना ज़्यादा फिसल रहे, ये ऐसा होगा यहाँ पे, यहाँ नहीं जा सकते नीचे। अब जूते तो मेरे ग्रिप वाले हैं, पर चलो नीचे जाके स्कीन स्लाइड, ऐसे मैं ऐसे ही जाऊँगा, मेरे को लग रहा है उनकी तरह घसीटते भी नीचे, ये थोड़ा रिस्की होना। ये देखो, ये बढ़िया है, ये बढ़िया, पर हम जाएंगे यहाँ से फुल स्पीड में, अब नीचे फुल पावर में यहाँ से। ये देख रहे हो, ये बढ़िया, ये देखो यहाँ पे ये टूरिस्ट नीचे तक ऐसे ही जाएगा भैया, कमाल है, ये सबसे बढ़िया, ये सबसे भाई। यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है अलग की, ये देख रहे हो यहाँ पे एक्चुअली जूते चाहिए आपके टिकने वाले, अगर शूज टिकने वाला नहीं होगा तो मुश्किल हो जाएगा बहुत ज़्यादा यहाँ पे जाने में, मुश्किल हो जाएगा। हाँ भैया, जूता अच्छा चाहिए यहाँ पे, स्पाइक्स वाला जूता चलता है, तो यहाँ पे बहुत मुश्किल भाई। यहाँ पे मैं आपको क्या बताऊँ, लोग ना मतलब ऐसे फिसल के आ रहे, खड़े तो हो ही नहीं रहे हैं। ये देखो यहाँ पे शूज़ अच्छा चाहिए होता है यहाँ पे, अगर आपका शूज़ अच्छा नहीं होगा तो आप ऐसे आओगे, फिसल फिसल के पहुँचोगे यहाँ तक, ये देख रहे हो, मतलब नहीं तो खड़ा नहीं हो जाएगा आपसे।
एनीवेज एंजॉयमेंट तो फुल चल रही है। ये पहुंच गई थी इस जगह पे जहाँ पे एक्टिविटीज हो रही होती हैं और ये फटाफट से यहाँ पे देख रहे हो बहुत सारा रश लगा हुआ है, ये इन्हीं का ही है और काफी सारे लोग ऊपर से ऐसे ही आ रहे हैं अभी तक। सर ऐसे ही पहुंचे नीचे तक पूरा, वो ऊपर से भी भीड़ ऐसी आ रही है। तो बस से समझ लो हम पहुंच गए हैं फाइनली लोकेशन पे और यहाँ से चलो ही चलो। ठंड गया टूरिस्ट बुरी तरह, बर्फ में फंस गया हूँ ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पे। एक तो बहुत ज्यादा फिसल रहे और गिर रहे हैं लोग, हर कुछ ही गिर रहे हैं यहाँ, बहुत ही ज्यादा फिसलन हो गई है। तो बीच बस बर्फ में फंस गया हूँ मैं और गिरने वाला था अभी बच गया बस, तो थोड़ा शूट करके फिर बाहर चलो बस फाइनली पहुंच गया एंट्री बस। ये चल रहा है जी यहाँ पे, ये स्लेज सामने भाई का, भाई घुमाएंगे आपको गोल गोल यहाँ पे, और ये चल रही पूरी स्नो एक्टिविटीज यहाँ पे। टूरिस्ट यहाँ आता है, ये है तो थोड़ा रिस्की बट मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ अगर आपके पास शूज अच्छे नहीं है तो फिर एक ही चीज बचती है आपके लिए, आप वो लोट लोट के आओगे, मतलब फिसल फिसल के आना पड़ेगा वरना पहुंचोगे नहीं। चलो जी यहाँ स्कीइंग हो रही होती है और अभी यहाँ पे लगभग एक महीने तक स्कीइंग होती रहेगी और यहाँ पे ट्यूब स्लाइड वगैरह भी होता रहता है, मैं आपको दिखाता हूँ सामने ये देखो। चलो जी लाइव एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ कुफरी का, और एक ऐसी जगह देख के एक्साइटेड हो जाता हूँ जहाँ एक्टिविटीज हो रही होती है ना पूरी फुल पावर। ये देखो फुल पावर एक्टिविटीज चल रही है सामने, मजा आ रहा है। वो देखो स्लाइड क्या पावर में आ रहे हैं स्लाइड सारे, ये देखो कहां तक। तो यार काफी अच्छा माहौल बना हुआ है यहाँ पे और बहुत मजा आ रहा है एक्चुअली। आप भी आओगे तो इस जगह पे पहुंच पाओगे तो बड़ा मजा आ जाएगा आपको, पहुंचना ही थोड़ा सा ट्रिकी है यहाँ पे। जब यहाँ पहुंच जाओगे तो आपको गजब का मजा आने वाला है ये देखो, क्योंकि यहाँ चारों तरफ स्कीइंग हो रही है, स्लेज राइडिंग हो रही है, सामने ऊपर जो ट्यूब के लिए खड़े हैं वो ऊपर देख रहे हो, वो सारे ट्यूब के लिए खड़े हैं, जो अपनी बारी आएगी तो नीचे को स्लाइड मार के आएंगे। तो यहाँ पे एक्टिविटी के नाम पे काफी कुछ हो रहा है, इनफैक्ट यहाँ पे ये भी चल रहा है ये देखो नीचे, तो बढ़िया चल रहा है यहाँ सब कुछ। आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस। तो बर्फ से यार इस साल इतनी उम्मीद नहीं थी मेरे को कि इतनी अच्छी पड़ जाएगी, बट अच्छा हुआ इनके लिए भी जो यहाँ पे लोग बेरोजगार थे जो काम कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे स्कीइंग वगैरह जिनका स्कीइंग हॉर्स राइडिंग वगैरह होती है सब कुछ, ये भी इन लोगों के लिए और टूरिस्ट के लिए भी। ओ यार ये क्या हो गया, कहाँ धस गया मैं खड़ा था मैंने ध्यान नहीं दिया नीचे धस गया पैर, ये देखो। तो इनके लिए भी आई एम श्योर है बहुत अच्छा हुआ होगा। तो ये सब हो रहा है यहाँ पे ये देखो, सब धीरे धीरे स्कीइंग करना सीख रहे हैं यहाँ पे और सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है गजब। एकदम मस्त माहौल बना रहा है, ये कर ली भाई ने थोड़ी थोड़ी, ठीक है जी। ये है पूरा एक राउंड, भयंकर भारी स्नोफॉल, मजा आ जाता है ऐसा देख के, शिमला को देख रहे हो डिवाइन ब्यूटी। गिर गया धड़ाम, थोड़ा सेफ्टी का भी ध्यान रखना, बर्फ में अगर गिरते हैं तो लगती बहुत ज्यादा है तो ध्यान रखना, ठीक है जी। मजा आ रहा है ना पूरा। तो आई होप गाइस आपने व्लॉग एंजॉय किया, मैंने भी बहुत किया, एक्टिविटीज आपको दिखा दी, सब कुछ दिखा दिया, टूरिस्ट फुल पावर एंजॉय कर रहा है वहां से। ये देखो इस तरह की स्नो लाइट्स हो रही है यहाँ पे, स्नो ट्यूब स्लाइड बोलते हैं इसको, ये हो रही है बढ़िया वहां तक और सब कुछ बहुत सही चल रहा है। वो ऊपर लाइन में खड़ा है अपनी बारी के लिए, टूरिस्ट धीरे धीरे वहाँ से स्लाइड करके आ रहा है, बस यही सब चाहता मैं आपको दिखा सकता था और जो एक्टिविटीज़ यहाँ पे हो रही हैं, और टूरिस्ट जेन्युइनली बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा है क्योंकि आप बर्फ़ तो देख ही सकते हो कितनी है, ये देखो क्या बोलते हो। तो इसीलिए
तो मैंने भैया से पूछा कि इस ट्यूब स्लाइड का जो रेट है वो क्या है, तो ये बोलते 300 रुपये पर पर्सन लेते हैं यहाँ पे, ये सामने ऊपर और यहाँ से यहाँ तक आएंगे 300 रुपीज़ पर पर्सन है। लाइन देख रहे हो कितनी लगी हुई और ये सब है। तो क्या किया जाए, ये स्लाइड है, ये स्लेज है यहाँ पे, जैसे सेंटा क्लॉज के टाइम नहीं होता था क्रिसमस पे वैसे स्लेज बनाया, भैया घुमाएंगे आपको पूरा इसमें। सारे लोग लगे हुए हैं मेहनत में कैसे कैसे स्कीइंग करें, बस यहीं मिल जाती हैं स्कीइंगे और यहीं हो जाता है शुरू। पूछे इनको क्या रेट है, तो मैंने भैया को पूछा यहाँ पे, भैया बोल रहे हैं कि 1000 रुपये लगता है इसका, इसका ये जो आप दे रहे हैं टाइम जितनी मर्जी देर करो, फिर बोलते आप 1000 रुपीज़ दो और उसके बाद लगे रहो करने, ये इसे ही करते रहो, बस 1000 रुपीज़ है इसका यहाँ पे। बाकी मुझे नहीं पता कि बार्गेनिंग करोगे ये करोगे कम होगा ज़्यादा होगा, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। मैंने आपको एक नॉर्मल रेट बताया जो टूरिस्ट को चार्ज हो रहा है यहाँ पे आके, वो बंदे गिरी जा रहे तब से। चलो जी तो गाइस क्या कहते हो फिर, इस शानदार नज़ारे के साथ चला जाए फिर घर वापस, क्या बोलते हो, चलते हैं वापस, इंजॉय तो पूरा हो ही गया। ढक के आना, कान वान सब बीमार हो जाओगे नहीं तो, ठीक है बढ़िया चल रहा है अभी तक। चलो लेट्स गो बैक नाउ, बहुत हो गया फन, होप यू एंजॉयड इट। मैं तो चला जी वापस, बॉडी वेट पीछे रखना क्या, ठीक है जी। तो मेरा तो हो गया व्लॉगिंग का और मैं तो जा रहा हूँ वापस अब, तो मैं तो चल रहा हूँ वापस अब। मेरे इन शूज़ ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया, भगवान कसम बता रहा हूँ, ना सर लो लाठी की जरूरत पड़ी ना कुछ और, तो बहुत सही। बस मेरे लिए तो अब हो गया। ऐसी जाओ अब नीचे तक, जैसी अभी गए वैसी चले जाओ। वैसे इस रोड में बनता नहीं खच्चरों का जाना, फिसलेंगे बस, चल रहे हैं बेचारे, इनको ग्रिप होता है ना पैरों में, नाल लगी होती है। ये देखो बढ़िया एंजॉय किया फिर आपने, पूरा पूरा किया तो सब्सक्राइब कर देना। ये जा रहे हैं नीचे सारे, यार मैं जहाँ भी खड़ा हो रहा हूँ ना मेरी टांग ही धस जा रही, बार बार शूट करने के चक्कर मेरे को पता नहीं चल रहा और मेरी टांग धस गई दोबारा। ओहो क्या हो गया, तो इस खूबसूरत रास्ते से अब जा रहा हूँ मैं वापस, कोई नहीं है। थोड़ा कोविड भी है तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि टूरिस्ट थोड़ा हॉल्ट पे आ गया है, वरना नॉर्मल सीजन के टाइम आप यहाँ पैर नहीं रख सकते यहाँ पे, और ऐसा खाली तो भूल ही जाओगे, आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा रश कम है वो मैंने अंदाज़ा लगाया इस बार, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा रश नहीं है। यहाँ जैसे उतरा हूँ मेरे को ना यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ दिख रही है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को भी दिखाई जाए कि यहाँ कितनी बर्फ़ है। मैं एक बारी कैमरा यहाँ रख के आपको दिखाता हूँ यहाँ कितनी बर्फ है, चल के दिखाता हूँ। ये देखो सामने, रुको अभी दिखाता हूँ, एक बारी नीचे उतर के दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ आपको बर्फ का अंदाजा हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ कि कितनी बर्फ पड़ी है यहाँ पे, ये देखो अगर मैं इसमें यहाँ नीचे बैठता हूँ ये देखो तो गुम हो गया यहाँ पे, इतनी बर्फ है यहाँ पे, और अगर यहाँ पे पैर डालता हूँ इधर तो बहुत ही ज्यादा होगी। और मैं कोशिश करता हूँ इसमें घुसने की, ये देखो ये कम से कम 3 फीट बर्फ है, और इस 3 फीट में अगर मैं चाहूँ तो गुम हो जाऊंगा बिल्कुल नीचे। ये देखो इतनी बर्फ है यहाँ पे, हाय
गाइस इस गाड़ी को बचाते हो आप? सच्ची बताना। ये देखो यार, बहुत अच्छी गाड़ी थी यार, बहुत साथ दिया है मेरा इसने। चलो जी मैं आ गया फिर वापस, करते हैं कुफरी को सी ऑफ, क्या बोलते हो, मजा आया? लो जी आनंद आ गया पूरा पूरा, क्या बोलते हो, है ना?